स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनिता कोठारी। बच्चों पर लोग कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, उसमें हमने फैक्टर्स रिलेटेड विद मैचर आयन कंप्लीट किया, देन फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड कंप्लीट किया। अब थर्ड कैटेगरी हम ले रहे हैं फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द नेचर ऑफ एनवायरमेंट, गॉट इट। उसमें सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर में हमने क्या देखा है कि जनरली जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अगर उनमें कोई वोलेटाइल लिगेंड है, क्या है, वोलेटाइल लिगेंड प्रेजेंट हो जो कि वाष्पशील हो, जैसे कि वाटर हो, अमोनिया हो या इथिलीन डायमीन हो, है ना। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाते हैं, यानी वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी गर्म करने पर वो वियोजित हो जाते हैं, गॉट इट। तो गर्म करने पर जब वो वियोजित हो गए तो हम क्या कहेंगे कि इस केस में कि वो डिसोसिएट हो चुका है, क्यों, क्योंकि उसमें वोलेटाइल पार्ट प्रेजेंट है, राइट। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे सपोज CO NH3 whole 6 CO NH3 whole 6 Cl3 को अगर हम हीट करें कितनी डिग्री पे, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये डिसोसिएट हो जाता है और हमें देता है CO NH3 5Cl Cl2 और इसमें से एक अमोनिया बाहर निकल जाती है, गॉट इट। तो इसमें से वाष्पशील लिगेंड आप देखोगे कि इसमें से बाहर निकल गया है, गॉट इट। अब आप आ जाइए सेकंड इसके ऊपर, दैट इज प्रेशर, है ना। तो पहला ही आपको समझ में आ गया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जिनमें वोलेटाइल लिगेंड होते हैं वो उसमें से निकल जाते हैं तो वह डिसोसिएट हो जाता है, गॉट इट। नाउ वी कम टू द प्रेशर, है ना। प्रेशर को हम बिल्कुल उसी तरह से ले सकते हैं जैसे ली शैटेलिए प्रिंसिपल में हम कंसंट्रेशन को लेते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि आप अगर सपोज एक मिनट के लिए अगर सपोज ये कॉम्प्लेक्स आप ले रहे हैं, दैट इज द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स CO NH3 whole 6 Cl2, है ना। तो जनरली ये देखा है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है इस अगर ये डिसोसिएट हो गया, है ना, अगर अगर आप इसको हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट गेट डिसोसिएटेड इनटू CO Cl2 प्लस 6 NH3 में डिसोसिएट हो गया, राइट। लेकिन अगर हम क्या करें कि जो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड है, है ना, इस पर हम अमोनिया वॉश का प्रेशर डाल दें, किसका डाल दें, प्रेशर ऑफ अमोनिया वेपर, गॉट इट। तो व्हाट विल हैपन, जो रिएक्शन होगी वापस इस तरह इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी अगर हम अमोनिया का प्रेशर इसके ऊपर डालें तो वापस से क्या होगा, ये कंपाउंड इसका बन जाएगा, गॉट इट। तो प्रेशर बढ़ाने पर आप क्या देख रहे हो, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, राइट। नाउ वी कम टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज द कंसंट्रेशन। जनरली ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जलीय विलयन में उनका जो स्थायित्व होता है वो लिगेंड की उच्च सांद्रता में ही संभव होता है। बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन देखें, जलीय विलयन, एक्वस जो उनका सॉल्यूशन होता है, दैट इज वाटर के अंदर जो एक्वस इनका जो होता है कॉम्प्लेक्स का जो सॉल्यूशन होता है वो जनरली इतना स्टेबल नहीं होता। अगर हम उसमें वो लिगेंड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो वो स्टेबल हो जाता है। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल ही ले लेती हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कंसेप्ट इसका। सपोज इसके लिए मैंने ये लिया, जैसे इस कॉपर है ना, CuCl4, है ना, 2-, ये एक बहुत ही स्टेबल येलो कलर का सॉलिड है, स्टेबल येलो कलर्ड सॉलिड, है ना। लेकिन जब हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो पानी में ये किस में बदल जाएगा, CuH2O4H2OX2+ में बदल जाता है ना। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर ब्लू हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब आप देख रहे हो कि क्यों, क्योंकि पानी में क्या है, पानी एक गुड कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड होता है, एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड होता है, वो कोऑर्डिनेट कर जाता है उसके साथ में, है ना। और जब वो उसके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा तो इसकी वजह से ये जो लिगेंड है उसके बजाय वाटर इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये ब्लू कलर का हो गया। लेकिन अगर मैं अब इसमें कॉपर की एक्सेस डाल दूं, क्या डाल दूं, वापस से कॉपर की एक्सेस डाल दूं, है ना,
इस इक्वेशन को चाहो तो आप इस तरह से बैक कर ले, मैं पूरा लिख लेती हूँ। चलो इस इक्वेशन को CuCl4 2-, ओके। अगर मैंने इसमें वाटर मिला दिया है ना, यानी इसको पानी में घोल दिया, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना वो क्या हो गया बताइए, CuH2OX2+, है ना, ये ब्लू कलर का, और ये कौन सा कलर का है, येलो कलर का है, गॉट इट। अब अगर मैं सपोज इसमें क्लोराइड की एक्सेस डाल दू, वापस से कितनी डाल दी, क्लोराइड की एक्सेस डाल दी, यानी क्लोराइड की सांद्रता बढ़ा दी, तो मैंने देखा कि वापस से मुझे येलो कॉम्प्लेक्स मिल गया, गॉट इट। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना, वो सॉल्वेंट में स्टेबल नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट खुद एक अच्छा कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड होता है। तो अगर ऐसे केसेस में अगर हम लिगेंड एक्सेस में डाल दे तो वो स्टेबल हो जाता है, यानी जो आपका ये टेट्रा क्लोरो कॉपर टू कॉम्प्लेक्स है, ये आप ये देखोगे कि येलो कलर का होता है, लेकिन पानी में ये घुल करके ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, लेकिन अगर हम इसमें फिर से क्लोराइड लिगेंड डाल दें तो हमें येलो कलर का ठोस मिल जाता है, गॉट इट। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द एनवायरमेंट, ओके। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी विल डिस्कस, ये तो थर्ड फैक्टर हो गया ना, देखो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ मैटर, सेकेंड हमने पढ़ा नेचर ऑफ लिगेंड, थर्ड हमने पढ़ा नेचर ऑफ एनवायरमेंट, नाउ वी फोर्थ फैक्टर दैट इज रिलेटेड विद द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ओके। फोर्थ हमने क्या देखा, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर जो सॉल्वेंट होता है ना, वो आप ये देखोगे कि अगर सॉल्वेंट का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अगर सॉल्वेंट का हाई है, या हम ये कहेंगे कि उसका परावैद्युतांक ज्यादा है, या हम ये कहेंगे कि वो एक अच्छा कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड है, तो व्हाट विल हैपन, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अगर वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अनस्टेबल हो पाएगा, क्यों, क्यों, क्योंकि यहां पर वाटर एक अच्छा कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड है। लेकिन अगर हमारा सॉल्वेंट ऐसा है जो कि जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो, परावैद्युतांक कम हो, और तो वो एक अच्छा सॉल्वेंट नहीं होगा, तो इसलिए वो मेटल के साथ क्या करेगा, इतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और ऐसे सॉल्वेंट में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होगा, ये वाला जो होगा वो अनस्टेबल होगा, गॉट इट। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, गॉट इट। सो दिस इज द फैक्टर विच इज रिलेटेड विद द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एंड द लास्ट फैक्टर आर द मिसलेनियस फैक्टर्स, जो छोटे छोटे फैक्टर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, मिसलेनियस फैक्टर्स, ओके। उसमें आप सबसे पहले ले लीजिए दैट इज मिसलेनियस, आपने पढ़ा नेचर ऑफ मेटल नंबर वन, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ एनवायरमेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज द फिफ्थ फैक्टर इज द मिसलेनियस, गॉट इट। इसमें सबसे पहले आप ले लो नंबर वन पीएच, जनरली कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, जो संकुल होते हैं वो क्षारीय माध्यम में स्थायी होते हैं, गॉट इट। इसमें आप चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज जब क्षारीय माध्यम होता है तो हम ये कहेंगे कि पीएच हाई होती है ना, क्षारीय माध्यम यानी पीएच मोर एंड लेस कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयन, ऐसे मीडियम में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। एंड नंबर टू इज अ पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर, पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर, पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर्स, आंशिक सहसंयोजक गुण। तो देखा गया है कि जितना ज्यादा आंशिक सहसंयोजक गुण होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, Ag2- इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू AgBr2-, विच इज अगेन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, एंड दिस वन इज फर्दर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स, है ना। तो जितना ज्यादा पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना ज्यादा आंशिक सहसंयोजक गुण होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, गॉट इट। एंड द लास्ट पॉइंट इज द थर्ड पॉइंट इज द नेचर ऑफ द लिगेंड्स प्रेजेंट आउटसाइड, नेचर
ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. यानी जो आपका कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स है उसके बाहर की तरफ जो लिगेंड है उनके नेचर पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है. बहुत सारे लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि आप ये समझ गए ना. देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज ये एन है ना और ये मेरे कह एक्स है ना, तो कुछ लिगेंड्स क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं है ना, वो क्या करते हैं अंदर वाले लिगेंड को रिप्लेस कर देते हैं राइट. तो मैंने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ द लिगेंड्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के लिगेंड है वो अंदर वाले लिगेंड को रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह से उस कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल कर देते हैं. ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ओके, थैंक यू सो मच.